नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म कैसे भरते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट नंबर के बारे में। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा होगा तो यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है, तो डेट मैं आज आज की लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो आपको एक कस्टमर नेम दिख रहा है तो कस्टमर नेम आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर जो आपके अकाउंट से जुड़े होना चाहिए, उसके बाद आपके अकाउंट नंबर, उसके बाद आप आपकी जो भी ब्रांच है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम है उस पर टिक कर देना है। जैसे प्लीज़ चेंज द टेनओवर ऑफ आवर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसका ये मतलब होता है अगर आपने एक साल का फिक्स डिपॉजिट करवाया और घर जाके आपने सोचा कि मुझे तो 2 साल के लिए मेरे सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाना है, तो आपको ये उसके लिए फिलिप करना है ये फॉर्म। तो यहाँ पर उसके अकाउंट नंबर आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर कितने साल के लिए करवाने के कितने यहाँ पर भी आ जाएगा ये, और ईयर कौन से ईयर में करवाना। उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको साइन करना है। उसके बाद इसके पीछे आपको अपना आधार कार्ड लगा देना है। आधार कार्ड लगाने के बाद ये फॉर्म आपको बैंक में जाके जमा करवा देना है। होप यू गाइस मेरा ये फॉर्म भरना आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू सो मच।